हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बरसात का मौसम हो और गर्मा गर्म तीखा चटपटा कुछ खाने को मिल जाए तो क्या कहने। तो आज हमने बनाए हैं मूंग दाल के वड़े, बहुत ही टेस्टी, लजीज, मज़ेदार, बनाने में आसान और खाने में उतना ही चटपटा, तीखा और साथ में कुछ फ्राई की हुई मिर्चें, चटनी, तो बस मज़ा ही आ जाए। फ्रेंड्स, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने धुली हुई मूंग की दाल ली है, यानी कि बगैर छिलके वाली मूंग की दाल है। तो एक कटोरी यानी एक कप ले लेते हैं और वज़न में इसमें तकरीबन समझ लीजिए कि 250 ग्राम होगा। तो इस दाल को एक बाउल में निकालते हैं हम और बहुत अच्छी तरह से धो करके इसे हमने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रख देना है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। दाल अच्छी तरह से सोख हो चुकी है और इसे हमने पानी इसका अच्छी तरह से छान लिया है, यानी कि दाल में अब पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्राइंडिंग जार लेंगे और ग्राइंडिंग जार में डालने से पहले क्या करेंगे कि हम 4 बड़े चम्मच दाल अलग से एक कटोरी में अलग कर लेंगे। ये तकरीबन पूरी दाल का 30% होगा, तो बस उतना दाल आप अलग कर लीजिए और बाकी के दाल को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब डाल देंगे हैं एक टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्चें, 4-5 लहसुन के जवे और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे और हमें दरदरा सा पीस लेना है। दाल को हमने पीस लिया है, थोड़े थोड़े दरदरे से भी रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे वड़ा में ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगे। तो ये देखिए, दाल को हमने निकाल लिया एक बाउल में और एक छोटे प्याज को हम चॉप करके डाल देंगे। ये लिया है हमने 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 चम्मच अजवाइन। तो इसे डाल देते हैं। इन मसालों की वजह से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है पकौड़ों में। एक छोटा चम्मच डाल देंगे कुटा हुआ धनिया, 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे आमचूर पाउडर और अब हम डाल देंगे निकाले गए दाल को, जो साबुत दाल हमने निकाली थी ना, वो ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चॉपी हुई धनिया की पत्ती। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ना हम इस तरह के वड़े का शेप दे लेंगे, इस तरह से हाथ से चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो सभी वड़े बना के हम रख लेते हैं। तो ये वड़े बना के हम रख लेते हैं, अब हम ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई गरम करके हम ऑयल को पहले डाल के अच्छी तरह गरम करेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे 1/2 मिनट के लिए। अभी हमारा फ्लेम ऑफ ही है, वड़े को डाल देते हैं। वड़ा डालने के बाद हम इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अब हम फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम रखते हैं। तो हमें मीडियम हाई फ्लेम पर सेकना है। फ्लेम को ज़्यादा लो मत कीजिएगा वरना वड़े हमारे यानी कि भजिया या पकौड़े जो भी आप बोल लें वो टूटने लग जाएंगे। तो अब देखिए हल्का सा कलर आ रहा है तो हम इसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा चला देंगे चारों तरफ से, है ना, बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। अभी पकौड़ों को तलते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर, अच्छा सा कलर आ जाए। और बस फ्लेम बढ़ा के हमें कुछ सेकंड तक ही तलना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कलर बहुत प्यारा सा आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा मूंग दाल वड़ा या पकौड़ा या भजिया जो आप चाहें कह लें, ये देखिए बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। देखिए सुनहरा वड़ा कितना ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा सुनहरा सा तल के तैयार हुआ। तो अब इसे निकालते हैं, नेक्स्ट पैड डालते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूँ। एक चम्मच में हमने पानी लगा लिया है
और उसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा कि बैटर उठाऊँगी, थोड़ा सा शेप दे दूँगी एक दूसरे स्पून की मदद से, और तेल हमारा मीडियम हॉट ही है, तो इस तरह से करके और हमें बहुत आहिस्तगी से ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये कुछ हरी मिर्चें हमने ली हैं और इनमें बीच में चीरा लगा लिया है, तो पकौड़ों या भजिया के साथ ये हरी मिर्चें बहुत अच्छा जाती हैं। हम इसे इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैं इन पे हल्का सा अमचूर पाउडर छिड़क दूंगी, थोड़ी सी ये चटपटी भी हो जाएंगी मिर्चें, तीखी चटपटी बड़े मज़े की बन जाती हैं। तो ये तैयार हो गए हमारे मूंग दाल के बहुत मज़ेदार तीखे चटपटे से वड़े, भजिया या पकौड़े, जो भी आप कह लीजिए, और साथ में तीखी चटपटी, हरी मिर्चें तली हुई, वाह मज़ा ही आ गया। ये साबत दालें हैं जो दिख रही हैं, कितनी ही मज़ेदार देखने से लग रही हैं। अब इसे मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। मैंने हरी चटनी भी बनाई है, तो हरी चटनी के साथ भी बहुत लाजवाब लगते हैं ये वड़े या भजिया। आप चाहे तो टोमेटो केचप या कोई और सी भी चटनी अपनी पसंद की ले सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह की चटपटी मज़ेदार मानसून के हिसाब से बनाई गई कई रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर मिलती हूँ कुछ अच्छा नया और मज़ेदार लेकर के, कुछ चटपटा और बहुत टेम्पटिंग। दुआ में अपने याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।